तेल हर कोई यूज़ करता है, फ्राइड फूड बहुत आदमी पसंद करते हैं, पर कौन सा तेल सबसे हेल्दी है ये जानने की कोशिश रहती है। तो आज ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर आप फॉलो करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आज आपको बताने वाला हूँ खाना बनाने के लिए कौन सी ऑयल बेस्ट होती है। ये क्वेश्चन हमारे पास हर दिन आती है और हम उनको बोलते हैं कोई भी ऑयल ठीक नहीं होता है। इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ऑयल का जो मेडिकल नाम है उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स, और ट्राइग्लिसराइड में तीन पॉसिबिलिटी होता है। ट्राई मतलब तीन, आपको मालूम है इसमें तीन फैटी एसिड होती है और एक ग्लिसरीन होती है, और ये फैटी एसिड तरह तरह की होती है। कोई में सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, कोई अनसैचुरेटेड होती है, मोनो अनसैचुरेटेड होती है, और तीनों के अंदर एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। तो अगर इसमें 30 हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी, एक में 30 होती है तो सैचुरेटेड होता है, एक में 29 होता है मोनो अनसैचुरेटेड होता है, एक में 28 हाइड्रोजन होती है तो पॉली अनसैचुरेटेड होती है। तो ये तीनों के अंदर फर्क बहुत मामूली है, इसलिए सारे ऑयल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इस बात को रख लीजिए। और ऑयल की जो हमारे बॉडी में जरूरत है, आदमी बोलता है ऑयल की जरूरत है, मैं बोला जरूरत है फैट की, जरूरत है ऑयल की नहीं जरूरत है। और वो फैट हर खाने के अंदर हम लोग को मिल जाती है। कुदरत ने जितना भी खाना बनाया, चाहे रोटी हो, चावल हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, फ्रूट्स हो, कोई भी अनाज हो, सब में थोड़ी थोड़ी तेल है, दालों में तेल है। हमारे बॉडी के लिए जितनी तेल जरूरत है वहीं से आ जाती है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑयल की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बिना ऑयल का खाना बनाओ। ऑयल यूज क्यों होता है? ऑयल आप एक चम्मच मुंह में डालिए, कोई टेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अरे इसमें टेस्ट है ही नहीं। तो फिर टेस्ट के लिए तो डाला जाता है, बोला हेल्थ के लिए तो एकदम बेकार है वो। और अगर आप तेल को रिप्लेस करते हैं पानी से, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग। मतलब मसाले का टेस्ट होता है, मसाले को भूनना होता है। अब भूनने के लिए अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तेल, और ये गलत फहमी थी कि एक ही तरीका है। जो सही बात है वो दो तरीका है भूनने का। एक है तेल से, कोई भी तरह का तेल ले लो सब बेकार है, सबके सब नुकसान वाली चीज है। और एक होता है पानी से, इसको बोलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग। तो हम लोग बोलते हैं अगर कुकिंग की बात करते हो तो बेस्ट ऑयल इज वाटर। वाटर को कभी कभी हम लोग अपनी कंपनी से जोड़ के बोलते हैं सावल ऑयल। सावल ऑयल मतलब सावल जिस ऑयल को रिकमेंड करता है। तो पानी का नाम हमने बदल दिया। लोग पूछते सर फिर भी कोई ऑयल तो यूज करोगे? मैं बोलता भाई आप सावल ऑयल यूज करो। आजकल हमारे जो हार्ट के पेशेंट्स हैं बोलते हैं सर हम आजकल सावल ऑयल में बनाते हैं। क्या क्या बन सकता है भाई? सारे पकोड़े, समोसे, कटलेट, और अगर कोई भी सब्जियां हैं सब चीज बन सकती है। और हम लोग आजकल नए नए चीजें बना रहे हैं, आजकल छोले भटूरे बना रहे हैं, पानी पूरी बना रहे हैं, और हम लोग अभी समोसे बना रहे हैं, टिक्का बना रहे हैं। तो इतने तरह की चीज बन सकती है। तो जीरो ऑयल अगर आप बनाना सीख जाते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, और एक एक करके मैं फायदा गिनाता हूं। पहले तो हार्ट को सबसे बड़ा फायदा है। हार्ट की ब्लॉकेज में दो चीज कंट्रीब्यूट करती है, कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड होता है ऑयल, तो इसको खत्म कर देना चाहिए हम लोग को खाने में। तो ये एक बहुत जरूरी है, जो नेचर से आ रहा है वो आ रहा है, अलग से तेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा है कैलोरीज बहुत होते हैं। आपको मालूम है एक चम्मच जो टेबल स्पून फुल ऑयल है उसमें 120 कैलोरी होती है, बहुत ज्यादा कैलोरी है। उस ऑयल को अगर हम कट कर दिए तो हमारा कैलोरी कट हो गया, वजन गिरेगा, वजन गिरेगा तो हमारे घुटने उठने ठीक होंगे, वजन गिरेगा हार्ट की बीमारी ठीक होगी, डायबिटीज ठीक होगा, और सबसे बड़ा बात है कि आदमी को मेहनत करने का जगह मिल जाएगा। जब वजन कम होता है आदमी कितने तरह के काम कर पाता है। जो मोटे होते हैं उनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं, उसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हर तरह की प्रॉब्लम आती है, उनको सॉल्व करेगा बिना ऑयल का खाना अगर आप बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारी जीरो ऑयल की चैनल है आजकल कुकिंग का, उसमें हम लोग हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज डाल रहे हैं, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, और इस चैनल का नाम है सावल जीरो ऑयल किचन। तो ये जीरो ऑयल कुकिंग आप सबके लिए हेल्दी जरूरत है। ये कोई हार्ट का पेशेंट नहीं, डायबिटिक का पेशेंट नहीं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं, मोटापा का पेशेंट नहीं, आम आदमी के लिए जीरो ऑयल खाना अच्छा। इससे और बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। आपको मालूम है जो लोग तेल खाते हैं, तेल वाला खाना खाइए, इतनी बेल्चिंग होती है, इतनी तकलीफ होती है, गैस बनती है, वो सारा ठीक हो जाता है, बॉडी में एनर्जी पैदा हो जाती है, और सबसे बड़ा पैसे बचा रहे हो, तेल का दाम तो बचेगा ही। मेरे पास एक गरीब आदमी बोला, बोला सर हम लोग तो तेल इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, वो बड़ा महंगा है, हम लोग तो पानी से सारा काम कर लेते हैं। वो मेरे को ये बोलने लगी मेरे को कि सर मैं तो खाना बनाने जाती हूँ लोगों के, वहाँ जाके देखते हैं लोग कितने बुद्धू हैं, इनके यहाँ पानी तो फ्री का मिलता है फिर भी इस्तेमाल नहीं करते, तेल से ही मसाले को भूनते हैं। तो आपको जीरो ऑयल कुकिंग जरूर करना है। हमारे चैनल को देखिए, हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज हमने क्रिएट किया है, और 1000 रेसिपीज हमारे पास बने हुए हैं, उनको हम डाल रहे हैं वीडियो में, आप जरूर उसको देखिए और अपने घर का सारा खाना बदल
लीजिए, एवरीबडी शुड शिफ्ट टू जीरो ऑयल, सबको जीरो ऑयल खा लेना चाहिए।